पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई पंजाब के अंदर बनी सी। पिछला बजट असी जून च पेश किया सीगा और ये जिहड़ा बजट आ मैं समझदा पूरा पूरे साल का बजट असी पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया गा। इस बजट दे विच टोटल बजट एक्सपेंडिचर आ जिवें विधानसभा के अंदर दस्या कि एक लख 96,462 करोड़ रुपए का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 123,441 करोड़ रुपए, कमिटड एक्सपेंडिचर 74,620 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,782 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डेफिसिट 23,161 करोड़ रुपए 3.82, फिस्कल डेफिसिट 4.98, इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग डेट जिहड़ा हैगा वो 3,27,051। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस वरे दौरान पंजाब के अंदर आम आदमी क्लीनिकां की शुरुआत की जिन्हां की गिणती अज जिहड़े काम कर रहे नेगे वो 504 आ और 142 दे उत्ते मैं समझदा काम हो रहा बड़े जल्दी जिहड़े नेगे पंजाब के लोगों को समर्पित किए जाणगे। इन्हां महला क्लीनिकां के अंदर 10,50,000 तो बधेरे लोगों ने अपना OPD दे राही इलाज करवाया और 1,00,000 तो बाद जिहड़ा वो लैब दे वक्-वक् टैसट जिहड़े हैगे ने वो लोगों के किए गए। इस तो बिना 26,797 नौकरियां सरकार वालों सरकार के अंदर और वक्-वक् सरकारी एजेंसियों के अंदर पंजाब के नौजवानों को प्रदान की गई, नियुक्ति पत्र जिहड़े दिते गए। और तीसरा मैं समझदा बड़ा साडा वादा सी, ये साडे वादे की मैं गल कर रहा गरंटियां की गल कर रहा जिहड़े आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने तो पहला इलैक्शन के समय समुचे पंजाबियों के नाल पंजाब के लोगों के नाल किए कि असी आम आदमी पार्टी महला क्लीनिक खोलांगे, सॉरी आम आदमी क्लीनिक खोलांगे, असी पंजाब के अंदर बच्चों नौकरियां देवांगे, असी पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त बिजली हरेक घरेलू मीटर दे देवे। ये भी वादा असी बिल्कुल विद इन ए ईयर पहले साल दौरान ही पूरा किया। अज पंजाब के लगभग 90% पंजाब के 90% लोगों के घर के बिजली के बिल अज 0 पंजाब के अंदर आ रहे। एक बड़ी जी मैं समझना गरंटी सी पंजाबियों ने दी सी जी असी वो पहले साल च पूरी की आ। नौकरियां देने का काम, महला क्लीनिक खोलण का काम और पंजाब के अंदर नवी माइनिंग पॉलिसी असी लैके आएंगे। पब्लिक दे लई माइन जिहड़े नेगे वो पंजाब के अंदर खोले गए नेगे 6%। इस तों इलावा 6% DA की किस्त जिहड़ी कि मुलाजमान की सीगी वो 2022 असी दित्ती जाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दीआं सिफारशां दे मुताबक पे स्केल दिता गया। और दूसरा जुडिशरी के अंदर सैकंड नैशनल जुडिशरी पे कमीशन से जिहड़ा वो पंजाब के अंदर लागू किया गया जिहड़ा कि 2016 तो पेंडिंग पिया सी, 2016 तो पेंडिंग पिया सी, इहदे उत्ते भी लगभग 1,150 करोड़ रुपए का जिहड़ा एक्सट्रा बर्डन पिया गया। इस तरह जिहड़ियां सेंटर स्पोंसर स्कीमां होंदियां नेगियां उन्हां दे लगभग 1,750 करोड़ रुपए बकाए पे सी, वो राशि जिहड़ी आ जारी की गई। पंजाब एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक जिहड़ा कि मैं समझदा किसानों कर्जे देने लई किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी आ, उहदे लई 885 करोड़ रुपए, पनसप लई 300 करोड़ रुपए, पंजाब एग्रो लई 231 करोड़ रुपए, मिल्क फैड लई 36 करोड़ रुपए, शुगर फैड लई 400 करोड़ रुपया। ये जिहड़ा असी इस साल पंजाब के जिहड़े साडे लोग सी जिहड़ियां साडियां सी अपनी इंस्टीट्यूशन सी उहनां नूं जारी कीते। इस तों बिना जिहड़ा साडा मालिया जिहड़ा मैं जिक्र कीता सी जदों बजट पेश कर रहे सी कि मालिया किन्ना वधिया, स्टेट एक्साइज पंजाब के अंदर जिस एक्साइज की पॉलिसी नूं लैके आपोजिशन धिरां कदे मन जो गवर्नर साहब नूं मिलदियां ने, कदे किते जांदियां ने, कदे किते घुमदियां ने, क्योंकि पहली बार पंजाब के अंदर शराब माफिया नूं बुरी तरह तहस नहस किया गया, शराब माफिया का लक तोड़िया गया। जिहड़ियां पार्टियां सत्ता तो बाहर ने उन्हां द्वारा चलाए स्थापित किए शराब माफिया नूं पंजाब के अंदर जो तोड़िया गया तो पहली बार होया कि 45% का
स्टेट एक्साइज दे विच जिहड़ा उह वाधा होया इसे गल करके कोई ना कोई बहाना बना के उस माफिए दे राही उस माफिए नूं प्रोटैक्ट करन दे लई अपने बंदिआं नूं प्रोटैक्ट करन दे लई गवर्नर साहब नूं और होर जगह ते जाके मिसगाइड झूठा प्रचार जिहड़ा कीता जा रिहा पर मैं बड़े दावे दे नाल कहिंदा कि 45% का वाधा होया गा। इस तों बिना नॉन टैक्स रेवेन्यू दे विच 26% का स्टेट की जी एस टी दे विच 23% का स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन दे विच 19% का टैक्स ऑन वहीकल दे उत्ते 12% का सो रेवेन्यू रिसीट जिहड़ियां नेगियां वह 23-14 जिहड़ी सानूं उम्मीद आ कि वह लगभग इस साल 98,852 रहने की उम्मीद आ जी। सो पहली बार होया कि असी एक नवीं स्कीम भी मैं अनाउंस की सी कि बिल लियाओ इनाम पाओ का मतलब यह कि जदों कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ खरीदा गा मान लो मोबाइल खरीदा गा वो दुकानदार तो बिल लेंदा गा बिल लैण तो बाद साडे सरकार दे पोर्टल ते जांदा गा पंजाब दे टैक्स कोले जांदा गा उत्थे जाके अपने बिल नूं रजिस्टर कराउंदा गा। जेकर बिल फर्जी होया जेकर जी एस टी पे ना किया गया तो उस सैलर के खिलाफ जिन्हें वस्तु बेची आ वो खिलाफ़ कार्रवाई की जाऊगी। जेकर सही होया तो असी उस करदातावान बनता योग इनाम देवे ताकि इस दे मैं समझता जी कि चोरी हो रही है वो चोरी का खात्मा हो और टैक्स जोड़ा है ईमानदारी के नाल सरकार के खजाने के आए। सो हूँ मैं जो पड़ावार गल करा तो एग्रीकल्चर के खेत्र के अंदर पिछले साल 11,500 करोड़ सीगा इस साल 13,888 करोड़ रुपए 20% का वाधा। स्कूल एंड हायर एजुकेशन के दौरान पिछले साल 15,249 सीगा इस साल 17,072 करोड़ रुपए 12% का वाधा। सोशल वैलफेयर एंड सोशल जस्टिस 7437 सीगा 8,678 करोड़ रुपए यानी कि 17% का वाधा। इंडस्ट्री एंड कमर्स के अंदर 3163 सीगा इस बार 3751 19% का वाधा। स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस के अंदर क्योंकि पंजाब के अंदर खेडा बतन पंजाब दियाँ मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई होइयां सीआं बहुत भरमा हंगारा पंजाबियों ने पंजाब के नौजवान दिता गया सो उस देखते हुए पिछली बार 166 करोड़ रुपया सो इस बार 258 करोड़ रुपया यानी कि 55% का वाधा। इंपलायमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर 170 करोड़ रुपए से पहला इस बार 231 करोड़ यानी कि 36% का वाधा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पिछली बार 4249 सो इस बार 4781 करोड़ रुपए 11% का वाधा। पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर पहला 9,449 करोड़ रुपए सेगा इस बार 10,523 करोड़ रुपए 11% का वाधा। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर के पिछली बार 1449 सेगा इस बार 1580 11% का वाधा। सो इस तरह टैक्नीकल एजुकेशन के 615 6% का वाधा। सो मेरा कहने का भाव लगातार सरकार ने जिहड़ा हैगा सारे खेत्रां दे अंदर बजट वधा के पेश कीता गा। सो इस तों बिना पावर के खेत्र के अंदर होर बहुत सारे खेत्रां दे बहुत सारे बड़े जिहड़े सुधार नेगे और इंपॉर्टेंट जिहड़ी गल आ कि आम आदमी पार्टी दूसरे साल की सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन शुरुआत कर रही आ जितियां नूं भी एक साल हो गया और बजट भी जिहड़ा अज पेश कीता गा दूजे साल की शुरुआत हुई आ। सो बगैर कोई नवा टैक्स लाए पंजाब के लोगों के उत्ते ना पहले बजट सैशन के दौरान ना दूजे बजट के अंदर एक भी नवा टैक्स लाए तो बिना पंजाब के अंदर असी जिहड़ा हैगा ये बजट पेश किया गया। सो मैं समझदा ये जिहड़ा बजट सीगा वो पंजाब का लोक पक्षी बजट हैगा और ईमानदारी की झलक जिहड़ी आ वो तुहानूं देखण मिली आ और करप्शन के अगेंस्ट भ्रिष्टाचार के अगेंस्ट इस तरह जंग जिहड़ी आ वो सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन लगातार जारी रहेगी और करप्शन को जड़ तो खत्म करांगे पंजाब के अंदर एक ईमानदार राज जिहड़ा वो स्थापित करना एक रंगला पंजाब बनाना वो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बीड़ा चुकया गा वह असी पूरा करा। देखो मैं दोहरा रहा कि 45% जिन्ना टारगेट मिथ्या सी बेशक उतो घट हुआ पर 45% ये कोई थोड़ा वाधा नहीं है। जो मैं पिछड़िया का जिक्र करा कले कले का तो मैं दस दिना कि पिछले समय की सीगा ये 45% का वाधा होया गा पिछला
पिछले समय दौरान मैं तुम्हें दस दिया कि कितना परसेंट वाधा होंगे जी। 2007 तो लैके 2012 तक कितना वाधा होया 10%। पहले साल कितना सी 2007-08 तक 1881 नो ग्रोथ। दूसरी बार घट गया 1809 यानी 2008-09 च 2.77% घट गया। तीजी बार 16% जंप किया, चौथी बार 12 किया, फिर 16 किया, यानी कुल 5 साल 10,000 रुपया कमाया सी। और उस तो बाद 12 तो 17% तक, और तुसी देखोगे कि जगह 16-17 की मैं गल करा, 2016-17 की मैं गल करा तो उस समय 8.14 का घाटा पिया। उस समय पिछली बार 2015-16 4796 करोड़ रुपया सीगा, और 2016-17 घट के 4406 करोड़ रुपया हो गया। इस तरह 17-18 के 18-19 घट गया, 19-20 4% घट गया। सो आ जिहड़ा असी पहली बार होया गा कि 6157 तो 21-22 6157 सीगा, हुण जिहड़ा उह 8800 करोड़ नूं पार कर रहा गया। सो यह वड्डा एक वाधा पहली बार नवी एक्साइज पॉलिसी के आने कारण होया गया। इस तरह टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट जिहड़ा असी स्थापित किया गया, जिहड़ा मैं समझदा इस साल च पूरी तरह कारशील हो जूगा, और उहदे नाल वड्डी पद्धर ते टैक्स की जिहड़ी आ उह चोरी जिहड़ी आ उह भी घटी आ। पहली बार होया कि टैक्स दे अंदर जिहड़ी आ इनफोर्समेंट दे आउण दे कारण रेवेन्यू च वाधा होया गा। बिल्कुल जी, तुसी दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल बहुत जल्दी जिन्हिया भी गरंटियां रहिंदियां नेगियां उन्हां सारियां गरंटियां दे उत्ते काम हो रहा गा। वैसे तो पहली सरकार आ, क्योंकि एक्सपैक्टेशन बहुत हाई ने तुहाडियां भी सब दियां कि पहले साथ ही सारे काम हो जाण, पर लेकिन मैं बड़े विश्वास दे नाल कहना गा कि जिहड़ियां रहिंदियां गरंटियां ने वह भी असीं पूरियां करांगे। देखो 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देने का वादा शायद मैं याद करा दा, असीं अमर पठानकोट के जाके अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान ने, साडी समुची टीम ने किया कि जेकर कोई शहीद हो जाता तो असीं 1 करोड़ रुपया देवांगे। पहले साल लागू किया 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा असीं चंडीगढ़ के तुहाडे सामने किया, सारयां दे तुहाडे सामने किया, शायद क्लब सी प्रोग्राम तो वादा असीं पहले 6 महीनों के मैं समझदा वह असी पूरा किया। तीजा सीगा कि एजुकेशन के अंदर स्कूल ऑफ एविनेंस बनाने, टीचरों हायर ट्रेनिंग लिए बाहर भेजना, वो असी वादा पूरा किया। महला क्लिनिक खोलने का सी वो असी वादा वो गरंटी जी पूरी की। सो बिल्कुल कोई शक नहीं, मैं एडमिट करता कि थोड़िया बहुत गरंटियां रहनिया ने गियां, वो गरंटियां भी पूरी करा, पर लेकिन असं जिन्हिया बड़िया गरंटियां ने गियां वो असी पूरी कीतियां ने गियां। मैं भी दसदा कि टैक्स की जी इनफोर्समेंट तुसी गल की सी मंत्री साहब, मैं टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट मैं सुन लो, मैं देखो 200 पहली 7 तो 12 किन्ना होया जी इनफोर्समेंट दे राही 255.97 करोड़, 212 तो 17 किन्ना होया 414.27 करोड़, कुल किन्ना होया 670 करोड़ रुपया है इनफोर्समेंट तो किधर किन्ने साल 10 साल। पिछले कांग्रेस की मैं गल करा 7 तो 17 तक 331 करोड़ रुपए, ठीक है जी। और साड़ी सरकार नू आई नू हजे 1 साल होया गा कि असी पहले साल ही 205 करोड़ रुपया, 5 साल की गल कर रहे हैं, 205 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो सानू इस दे अंदरों आ चुकिया गा। यानी कहने का भाव आ कि इनफोर्समेंट जी एजेंसियां की इनफोर्समेंट बदन के नाल करदी जिहड़ी आ वो चोरी रुकी हैगी। हाँ जी, हाँ जी, देखो मैं समझदा बहुत सारे खेत्र ने गे जिन्हां च लगातार सुधार हो रहा है, टैक्स की कलैक्शन GST चो भी बधूगी, साडा GST चो भी वधाउण दा टारगेट आ, साडा एक्साइज चो भी वधाउण दा टारगेट आ, साडा स्टैंप ड्यूटी होर जिहड़ियां काफ़ी सारिया स्कीमां जिहड़ियां जो पाइपलाइन दे विच ने उहनां सारियां स्कीमां दी जिहड़ी आ उहनां चों असीं नवां टैक्स बिल्कुल नहीं लवांगे, नवां टैक्स नहीं लवांगे, पर लेकिन जिहड़ी चोरी हुंदी सी जिहड़ा कलैक्शन जिहड़ी रास्ते लुट लई जांदी सी सारी जिहड़ी आ एक एक पैसा जिहड़ा वो सरकारी खजाने च आऊगा, बिल्कुल सानूं उम्मीद आ। तुसीं
देखो असी सिंकिंग कंसोलीडेटेड सिंकिंग फंड के अंदर असी 3000 करोड़ रुपया पिछली बार निवेश किया। 3000 करोड़ रुपया निवेश करने के नाल सानू रिजर्व बैंक वालों एक राहत मिली कि असी बहुत घट ब्याज के उत्ते असी सानू 3.75 to 3.5 शॉर्ट टर्म लोन जिहड़े नेगे वो मिल जाते रहे। एक बहुत बड़ी प्राप्ति आ। जे नहीं तो असी 8% से 7.5% से और ये भी साडा फायदा होयागा। असी हुण भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जिहड़े साडे पुराने लै गए करजे नेगे उन्हां नूं स्वैप किया जाए, सानू मार्केट लेन लोन जिहड़ा हुण चल रहा है उहदे ते लैण दी आग्या होवे तां कि असी उहदा ब्याज घट जाए, क्योंकि ब्याज घटन दे नाल काफ़ी फायदा। 3000 करोड़ रुपया सिंकिंग फंड चलाया पिछली सरकार ने, पुरानी सरकार ने। ये जिहड़ी स्पैशल ड्राइंग फैसिलिटी सीगी उहदे लई भी सीगी। उन्होंने 5 साल 2988 करोड़ रुपए लाए, असी विद इन ईयर 3000 करोड़ रुपए लाए। सो असी बिल्कुल इस भी इनवैसट करा, क्योंकि ये सानू ब्याज बचाने के अंदर जो तो लोन लैने सॉफ्ट लोन लेने वो तो सू सा बचत होंगी आदे जिमें जे मान लो 5 दिन 7 दिन 10 दिन कितने जरूरत आ वो सा पूरी हो जाती हैगी। सो ये मैं समझता देखो वो एक जरूरत सी पुराने समय काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती, बड़ा बड़ा मैं समझता वह नहीं पाया है सैक्टर की गल आ। सो नवा टैक्स जो है वो उस किस्म का नहीं लाया जाए जी। करके पिछला यार ज्यादा हो गया तो बीजेपी नहीं, मैं उदा एक ही करके पूछ लो। पहली सरकार आ जिदे अंदर 26,797 पंजाब दे मुंडे कुड़ियां नूं नौकरी मिली आ। एक विश्वास का माहौल, एक कॉन्फिडेंस जिहड़ा पुराने समय च लूज कर गए सी बच्चे साढ़े, जिन्हां नूं लगदा सी कि साढ़े 4 साल बाद कोई एडवरटाइजमेंट आऊगी। देखो पॉजिटिवनेस की आ कि साढ़े 4 साल बाद नौकरी निकलूगी, वो 4 साल लगता सीगा कि असीं तां रिटायर हो जाएंगे जी, साडा की बनूगा। सो 4.5 साल जिहड़ा सीगा वो वेट करन दी जरूरत नहीं हैगी। हुण असीं पहले 3 महीने दौरान 25,000 दी एडवरटाइजमेंट होई, 26,797 हो गए। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा इतिहासिक मोड़ जिहड़ा वो पंजाब की सियासत के अंदर आया गया। सो असी पहले साल ही कम करना शुरू किया गया। सो बिल्कुल जिहड़ियां भी गरंटियां जिहड़े भी तुहाडे डॉक्यूमेंट जी जिन्ना असी टारगेट रखा सीगा, जे मैं कह जी एक्साइज का 2-4 जिन्ना असी टारगेट रखा सीगा लगभग असी उदे बिल्कुल करीब हाँ। हजे आह महीने का जिहड़ा हैगा 2 महीनों का हजे साडे इस महीने का, खास करके क्योंकि एक्साइज का 10 आउंदा गा अज आउणा गा उहदा हजे नहीं हैगा साडे फिगर दे विच, अगले महीने का आउणा गा। सो बिल्कुल जिहड़ा असी रखिया सी टारगेट लगभग सारे टारगेट जिहड़े असी उह अचीव कर रहे हां। देखो मेन जी सबसिडी है वो पावर सैक्टर के अंदर आ, लगभग 20,000 करोड़ रुपए रहने का, 20,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान आ। और दूसरा ट्रांसपोर्ट के खेत्र 500 करोड़ रहने का अनुमान आ। मेन जी सबसिडियाँ यू छोटी सबसिडियां ने, पर लेकिन मेन सबसिडियां इंडस्ट्रियल पावर भी चीज सारा मिला के आ, इंडस्ट्रियल का घरेलू का किसान तिना दे। चलिए हूँ करोड़ का ड्रॉप कराया गया, इस बजट के
देखो माइनिंग जिहड़ियां माइनिंग साइट्स ने किया वो पब्लिक दे लई लगभग 33 पहला ओपन की पब्लिक माइनिंग ने जिन्हें तो बिल्कुल सस्ता आ रहा और 161 जिहड़ियां नेगियां होर बड़ी जल्दी ओपन हो रही ने। सो मैं समझदा बिल्कुल वह जी नवी पॉलिसी तैयार हो रही है, जिदन पॉलिसी लागू होगी तुम दस देंगे। आओ खाना खाइए आ जाओ।